verify mean value, verify rule is theorem. For function f x is equal to x square plus 5x plus 6 in minus 3 comma minus 2 in bracket minus 3 comma minus 2. ये देखो open है close है. Open है. Open है नोट. हाँ close है. अच्छा फिर close क्यों नहीं लिखा? हैं? देखिए जल्दी देखिए. Close है नहीं. हाँ तो देख के बताओ भाई. ठीक है close है. तो आपको क्या करना है? Rule is theorem. वेरीफाई करना है फॉर दिस फंक्शन क्लोज ब्रैकेट माइनस 3 माइनस 2 ना. तो देखिए रूल इज टू ऑफ एनी फंक्शन होल्ड रूल इज टू ऑफ फाइन इट इज कंटीन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट इन क्लोज गिवन ब्रैकेट डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट स्टिल पॉइंट इज सेम. ठीक है एंड एट लीस्ट वन पॉइंट exist between in the inside the bracket I face first derivative is zero. अगर ये condition hold होता है तो function rule is theorem hold करेगा. अगर ये condition hold नहीं होती है तो function rule is theorem hold नहीं करेगा. ठीक है ना. तो चलिए पहले इसकी continuity check करिए. तो f x is equal to कितना बजे x square plus 5x plus 6 ये आपका पॉलीनोमियल है. क्या है पॉलीनोमियल? तो पॉलीनोमियल्स आर कंटीन्यूअस. पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं? कंटीन्यूअस होते हैं. उनको चेक करने की आपको जरूरत नहीं है. ये कंटीन्यूअस होते हैं. ठीक है एंड एंड डिफरेंशिएबल होते हैं और ये डिफरेंशिएबल होते हैं. ठीक है तो आप इसको डायरेक्टली लीजिए एफ एक्स इज पॉलीनोमियल. एफ एक्स इज पॉलीनोमियल. एफ एक्स इज पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल. ठीक है So continuous in close bracket minus 3 minus 2. Okay. Second is fx is differentiable. fx is differentiable in ओपन ब्रैकेट माइनस 3 कॉमा माइनस 2. ठीक है थर्ड है अब इस तीन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं. एफ ऑफ माइनस 3 कितना होता है? एफ ऑफ माइनस 3 जो है माइनस 3 होल स्क्वायर और प्लस 5 इनटू माइनस 3 और प्लस 6. ठीक है तो जगह 9 माइनस 15 प्लस 6 ये वैल्यू क्या होगी? 0. क्या होगी? 0. अब f ऑफ माइनस 2 निकल लीजिए. f ऑफ माइनस 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस 2 होल स्क्वायर और प्लस 5 इंटू माइनस 2 और प्लस 6 ना. ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 10 प्लस 6 10 माइनस 10 इक्वल ना. तो देखिए आप क्या देखिए कि स्टेट पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम है. f ऑफ माइनस 3 इक्वल टू f ऑफ माइनस 2 है ना. आप क्या कहते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं. क्या कहेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं. ठीक है चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके जीरो कर देते हैं. वहां से एक्स वैल्यू निकाल लेंगे. ये टू वो वैल्यू जो है गिवन इंटरवल में लाइक करेगा. गिवन इंटरवल क्या करेगा? लाइक करेगा. है ना. ठीक है अगर गिवन इंटरवल लाइक करता है तो रूल इज थ्योरम हमारा होल्ड हो रहा है और नहीं लाइक करता तो फिर नहीं होगा. ठीक है तो चलिए ये प्राइम एक्स निकाल लीजिए. तो फर्स्ट डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना. तो क्या होगा? 2x प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0. ठीक है तो हो गया हमारा 2x प्लस 5. तो देखिए ये प्राइम एक्स को हम क्या कर देते हैं? जीरो कर देते हैं ना. तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5. यहाँ से x is equal to minus 5 by 2 हो जाएगा ना. ये x की वैल्यू आपकी अभी x की वैल्यू minus 5 by 2 होगी. ठीक है तो ये वैल्यू क्या बताइए? minus 2.5 है. which lie between this bracket? देखिए ये क्या है बताओ. ये वैल्यू minus 2.5 है. ये वैल्यू इसके अंदर है कि नहीं है? हाँ. ठीक है चलिए नहीं है. minus 3 is less than minus 2.5 less than minus 2 ना. हाँ ठीक है ये इसके अंदर लाइक कर रहा है. हेंस रूल इज थ्योरम होल्ड. हेंस
रोलेस थ्योरम हो, रोलेस थ्योरम हो, ये बाय इफेक्ट है ना, रोलेस थ्योरम हो, थ्योरम हो। तो पॉइंट एट पेस फाइंड डेरिवेटिव जीरो, वो कौन सा पॉइंट है जिस पर फाइंड डेरिवेटिव जीरो होते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, इस पॉइंट पर जो है फाइंड डेरिवेटिव फंक्शन का क्या है, जीरो आ रहा है ना, तो ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, ये चित्र निकालना था ये ना, चलिए हेलो।